परिवारवाद पर बहस के बीच अगर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को देखें तो पता चलता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए भी विरोध से पीछे नहीं है। क्या एनडीए जो है वो परिवारवाद से बच गई है, अछूती है, या फिर एक वंशवाद की जो बेल है वो एनडीए को लगातार लपेट रही है। अगर इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ये वंशवाद की बेल तो चल ही रही है ना, और वंशवाद की बेल क्या एनडीए को जकड़ रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण, और आज मुद्दा देश का में बात करेंगे परिवारवाद की। शुरुआत होती है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के एक बयान से। वो कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है। इस तंज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम रैलियों में परिवारवादी पार्टियों पर हमले किए जा रहे हैं। परिवारवाद पर बहस के बीच अगर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को देखें तो पता चलता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए भी विरोध से पीछे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे परिवारवाद को लेकर जो आरोप विपक्ष पर लगाते आ रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तो क्या एनडीए जो है वो परिवारवाद से बच गई है, अछूती है, या फिर एक वंशवाद की जो बेल है वो एनडीए को लगातार लपेट रही है। आज मुद्दा देश का में उसी का विश्लेषण करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि विपक्ष ने अपने परिवार के कल्याण के लिए देश का बलिदान दिया, जबकि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। और तेलंगाना में उन्होंने ये बातें कही जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साझेदार उन्हें और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं क्योंकि वो पारिवारिक पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक उनके घोटालों को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 85 साल के शख्स को अध्यक्ष बनाया। जनता से वो लगातार पूछते आए हैं कि क्या ये परिवार आधारित पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने उन पर युवाओं के विकास के अवसरों को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 85 साल के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया है जबकि 40-50 साल के लोगों के लिए अवसर रोक दिए हैं, वो बहुत असुरक्षित है, और कहते हैं कि परिवार पहले है लेकिन मोदी के लिए देश पहले है। बस बहस यहीं से शुरू हो जाती है। दरअसल इससे पहले भी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें गाली देने का इंडिया ब्लॉक का नया फॉर्मूला है। हालांकि देश भर के लोगों ने एक सुर में कहा कि वो मोदी का परिवार है। काफी ज्यादा जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स थे वो भी वायरल हुए थे, पोस्ट वायरल हुए थे, और हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने अपना जो पूरी तरीके से इंट्रो था वो भी बदल दिया था। मोदी का परिवार करके ट्रेंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा कि परिवार आधारित पार्टियां सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं जबकि मोदी देश के भविष्य के बारे में सोचकर काम करते हैं। पिछले महीने अगर संसद की हम बात करें तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि ना तो अमित शाह और ना ही राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश में विधायक हैं या एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। दरअसल अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव, राजनाथ के बेटे एफआईसीसीआई के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के बेटे जय शाह फिलहाल बीसीसीआई के सचिव हैं लेकिन उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। वहीं राजनाथ सिंह के एक बेटे पंकज सिंह विधायक हैं और एक बेटे नीरज सिंह एफआईसीसीआई के चेयरमैन हैं। परिवारवाद की बहस के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अगर कोई परिवार अपने दम पर आगे बढ़ा है तो हम उसका विरोध नहीं करते, हम उस भाई भतीजावाद का विरोध करते हैं जिसमें परिवार ही परिवार की पार्टी चलाता है, पार्टी के सभी फैसले परिवार लेता है। आगे मोदी जी कहते हैं कि अगर एक परिवार के दो लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका स्वागत है, अगर 10 लोग आगे बढ़ते हैं तो भी स्वागत है, लेकिन अगर परिवार पार्टी चलाता है तो उनके बेटे के अध्यक्ष बनने का विरोध होना चाहिए। कांग्रेस एक परिवार में उलझी है, वो देश के करोड़ों परिवारों की आकांक्षाओं उपलब्धियों को नहीं देख सकती। तो अब जरा थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि एनडीए की परिवारवादी पार्टियां कौन कौन सी हैं जो एनडीए में शामिल हैं। आरएलडी, चौधरी चरण सिंह परिवार, निषाद पार्टी, संजय निषाद परिवार, अपना दल एस सोनीलाल परिवार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओपी राजभर परिवार, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस पासवान परिवार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान परिवार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मांझी परिवार, जनता दल सेक्युलर देवगौड़ा परिवार, नेशनल पीपल्स पार्टी संगमा परिवार, एनसीपी अजीत पवार पवार परिवार। अब इंडिया गठबंधन की परिवारवादी पार्टियां कौन सी हैं। डीएमके करुणानिधि परिवार, टीएमसी ममता बनर्जी परिवार, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव परिवार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला परिवार। हालांकि अब इनमें से तमाम कुछ दल हैं जो छिटक कर उधर चले गए हैं, कुछ दल हैं जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं।
जेएमएम शिबू सोरेन परिवार, आरजेडी लालू प्रसाद परिवार, अपना दल कमेरावाड़ी सोनीलाल परिवार, शिवसेना यूबीटी ठाकरे परिवार, एनसीपी का शरद पवार गुट परिवार, पीडीपी मुफ्ती परिवार। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर परिवारवाद, भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। बीजेपी ने वंशवाद की लड़ाई के खिलाफ अपना मुख्य मुद्दा भी बनाया है। हालांकि अब चुनाव से पहले कई पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में हरियाणा के मंत्री और पूर्व डिप्टी पीएम देवलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला का इस लिस्ट में ताजा नाम जुड़ा है। रणजीत सिंह को हिसार संसदीय सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस के दो गैर गांधी पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के परिजन भी शामिल हैं। कांग्रेस पर अक्सर गैर गांधी प्रधानमंत्रियों के परिजनों को दरकिनार करने का आरोप लगता रहा है। इस तरह ये लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं परिवारवाद पर पीएम क्या बोलते हुए नजर आए। देखिए, इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा था, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश परिवारवाद से त्रस्त है, विपक्ष में एक ही परिवार की पार्टी है। हमें देखिए, बीजेपी ना राजनाथ सिंह जी की पार्टी है और ना ही अमित शाह की। हमारे यहाँ एक परिवार की पार्टी ही सर्वे सर्वा नहीं है। कांग्रेस के परिवारवाद का खामियाजा देश ने भुगता है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी के लिए परिवार का मतलब, पीएम मोदी परिवारवाद का मतलब समझाते हुए कहा था कि हम किस परिवारवाद की बात करते हैं। अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा लोग जन समर्थन से अपने बलबूते पर राजनीति में आते हैं तो उसे परिवारवाद नहीं कहते। मोदी के मुताबिक हम परिवारवाद उसे कहते हैं जब एक ही परिवार पार्टी चलाता है, जब एक परिवार ही पार्टी के सारे फैसले करता है, उसे परिवारवाद कहा जाता है। हम चाहते हैं कि एक ही परिवार के 10 सदस्य राजनीति में आए, नवयुवक राजनीति में आए, लेकिन परिवारवाद के जरिए नहीं। ये चिंता का विषय है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनके बेटे का ठिकाना क्या बीजेपी बनेगा। देखिए, मोदी सरकार ने इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान भी किया था और इसके बाद नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव ने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ भी की थी। अब ऐसी खबर है कि प्रभाकर राव ने के जल्द ही तेलंगाना में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष पहले से ही बीजेपी में शामिल है। पीवी नरसिम्हा राव साल 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 28 जून 1921 को जन्मे नरसिम्हा का जन्म तेलंगाना के वारंगल जिले के वंगारा गांव में हुआ था। 90 के दशक में उन्होंने नई औद्योगिक नीति लागू की थी जिसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। उन्हें करीब 18 भाषाओं के जानकार थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, साल 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर समाजवादी पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2007 और 2009 में दो बार बलिया से सांसद चुने गए। इसके पहले उनके पिता इस सीट पर सांसद रहे थे। नीरज शेखर वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी हैं। 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर एक ऐसे भारतीय राजनेता थे जिनका जीवन त्याग और संघर्ष से भरा रहा। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की सेवा की। जनता दल से अलग हुए गुट के नेता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का परिचय भी दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी का गठन किया और एनडीए यूपीएम दोनों दलों की गठबंधन की सरकारों में मंत्री रहे। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में मंत्री रहे। नरसिम्हा राव सरकार में कृषि मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में कृषि मंत्री, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाला। अब हाल ही में उनके बेटे जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। ये कदम चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और पोते, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सेकुलर भी कर्नाटक में एनडीए के साथ गठबंधन में है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीडीएस के साथ 3 सीटों पर गठबंधन किया था। कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट पर गौड़ा परिवार की गढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के परिवार से यहां जिसने भी चुनाव लड़ा है हर बार उन्हें जीत मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव में अजय देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवरन्ना ने जीत हासिल की थी।
साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की 13 दिनों की सरकार गिरने के बाद एसटी देवगौड़ा ने सत्ता संभाली थी। तब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। अब ऐसे में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार एसटी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का परिवार किस पार्टी के साथ है? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का राजनीति में लंबा इतिहास है। दो पीढ़ियों में 22 सदस्यों में से 9 लोगों ने अलग अलग राजनीतिक दलों में अपना करियर बनाया। लाल बहादुर शास्त्री के पोते और हरि कृष्ण शास्त्री के बेटे विभाकर शास्त्री इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री के बड़े बेटे हरि कृष्ण शास्त्री हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। उनके छोटे बेटे सुनील शास्त्री कई बार कांग्रेस बीजेपी के बीच घूम चुके हैं। शास्त्री परिवार के बाकी सदस्य कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सहित कई राजनीतिक दलों में शामिल रहे। शास्त्री परिवार के सदस्यों ने विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व किया जिसमें समाजवाद, गांधीवाद, राष्ट्रवाद शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। वो एकदम शांत स्वभाव के थे और सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। पीएम बनने से पहले उन्होंने रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री और गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार कहाँ है? लाल कृष्ण आडवाणी सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। 1970 में पहली बार राज्यसभा सांसद बनी। सांसद के तौर पर 3 दशक तक लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में साल 1999 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने रहे। लाल कृष्ण के एक बेटे जयंत आडवाणी और एक बेटी प्रतिभा आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में है नहीं। लाल कृष्ण के बेटे जयंत आडवाणी पेशे से बिजनेसमैन है। कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी का मानना है कि अगर उनके बच्चे राजनीति में आते हैं तो उन पर वंशवाद का आरोप लग सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजनीति में आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ये वंशवाद की बेल तो चल ही रही है ना, और वंशवाद की बेल क्या एनडीए को जकड़ रही है? ये महत्वपूर्ण है। क्या एनडीए इसे परिवारवाद नहीं मानती, या फिर जो कांग्रेस का परिवारवाद है वही सिर्फ परिवारवाद है? ये तय जनता को करना है। मुद्दा देश का मैं आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे। धन्यवाद।